उज्जैन जिले के 3 जनपद पंचायतों में आम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शपथ लेना थी और शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने क्षेत्रों में काम करने की रूपरेखा बनाकर काम करने थे। अस्पताल में समय पर पहुंचाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश की अवहेलना हो रही है। इंदौर रोड पर चलने वाले टोल नाके पर कोई एम्बुलेंस वाहन नहीं है। इस रोड पर आए दिन हादसे दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। लोग अपनी जान तो गंवा ही रहे हैं, कई लोग घायल भी हो रहे हैं, पर एम्बुलेंस न होने की वजह से इनको समय पर उपचार नहीं मिल पाता है और ना ही हॉस्पिटल पहुँच पाते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। संजय सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? अभी आपके यहाँ पर एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मारी जिसमें उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस होना चाहिए टोल टैक्स पे कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो सब था वो करीब कितने घंटे तक वहाँ पर पड़ा रहा? एक से डेढ़ घंटे। करीब डेढ़ घंटे दो घंटे तक पड़ा रहा सब? अच्छा, और यहाँ से टोल टैक्स से एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँची? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।